हेलो एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको एयर पिस्टल पार्ट टू के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने एयर पिस्टल वन पार्ट के बारे में बताया था। ये कुछ और पॉइंट हैं और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एयर पिस्टल पार्ट थ्री के बारे में बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट सिमिलर है, उसी में थोड़ा ब्रीफ में बताना है कि उसमें कैसे आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। सो लेट्स गाइस स्टार्टेड। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। तो देखिए, मैच में आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, अगर आपको कोई थॉट आता है तो आपको उसको मतलब लाइक कि जानना है, समझना है कि आया क्यों है, कहाँ से आया था, इसका रूट क्योज क्या है, और आप उसको उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो थॉट्स का आना चलता रहेगा, आप डेली आंखों से देखते हो, डेली सुनते हो, तो आपका वो चलता रहेगा। ये तो है नहीं कि हम आंखें बंद कर लें, इट्स अ पार्ट ऑफ नेचर। ठीक है, वो चलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करें, दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखें, थॉट को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर कोई ख़राब शॉट आता है या ख़राब थॉट आता है, आपको लग रहा है मेरी एट लग गया है, तो उसके कारण आप डिमोटिवेटिंग स्टार्ट कर देते हो, अपने आप को डिमोटिवेट किया यार तू नहीं है। तो अपने आप को मोटिवेट करना है उस समय, पॉजिटिव सोच के, नहीं यार 60 शॉट का मैच है, बहुत चलेगा, बहुत टाइम है अपने पास, बैकअप कर लेंगे। ठीक है, बाउंस बैक करेंगे इसमें भी, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ट्राई करो, धीरे धीरे होगा। प्रैक्टिस में वेट टाइम है नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रैक्टिस में क्या वेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करते समय अपने होल्डिंग में लाइक 1 से 2 केजी का वेट ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेना। क्योंकि ये नहीं कि 5 किलो का डंबल उठा लिया और हम होल्डिंग कर रहे हैं, अपना शोल्डर पे, हम जिम नहीं कर रहे हैं, हम शोल्डर प्रिपेयर कर रहे हैं। शोल्डर में कुछ 3 पार्ट होते हैं लाइक कि, और उन्हीं को प्रिपेयर करना होता है, वहीं से स्ट्रेंथ डेवलप होती है। और कुछ ये चेस्ट का एरिया और कुछ ये एरिया होता है हमारे, जिसको मेलने में प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और लाइक कि आप होल्डिंग में 30 सेकेंड की मिनिमम तो करो, अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, या तो आप 1 मिनट की भी करो, 2 मिनट की जितनी हो सके, अब तो कोई लिमिट बढ़ा सकते हो, पर पेन पेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट डे आपको पेन स्टार्ट हो गया तो। क्योंकि यहाँ शोल्डर में एक पॉइंट होता है जहाँ पे मसल कम होती है, और उसी पॉइंट पे हमारे सबसे ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ ये सेंटर मसल एंड होती है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पेन थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट उठा लोगे और काफ़ी कर लोगे तो आपको वो पेन फील होगा, तो उसका भी ध्यान रखना है। और पेन के लिए आपको पता है गर्म और ठंडे की मसाज, ठीक है, गर्म से करने के बाद ठंडे की करो। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। देखिए ये पॉइंट बिगनिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जो बिगनिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसको 3 से 5 सेकंड की आदत डालिए ही, और उसके पीछे खड़े होके करवाना है। और नहीं तो आप खुद भी कर रहे हो तो आपको भी करना है कि हाँ 5 सेकंड मन में काउंट करना है कि फॉलो थ्रू हाँ मन में हो रहा है। ठीक है, 5 सेकंड क्या, मैच में फॉलो थ्रू नहीं करना होता है, क्योंकि हम मैच में अपने शॉट्स और अपने टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ कुछ शॉट होते हैं जहाँ हम फॉलो थ्रू करते हैं कि हाँ ये शॉट तो मेरा 10 गया होगा। अगर आप अच्छी रिदम में कर रहे हो तो आप मैच में भी कर सकते हैं, बट मैच में कहीं ना कहीं हमारे पास टाइमिंग की थोड़ी लिमिटेशन बाहर आ जाती है, वहाँ पर आप 3-5 सेकेंड नहीं कर सकते हो। अगर आप रिदम में चल रहे हो तो आप ज़रूर करिए, और प्रैक्टिस में इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करो। ठीक है, और मैच में आप, ये नहीं है कि बड़े शूटर फॉलो थ्रू नहीं करते, वो भी करते हैं, बट उनकी जो टाइम लिमिट है वो 5 से ना होके 1 सेकंड पे आती है। अब कभी कभी वो हो भी नहीं पाती है, बट वो उतने टाइम में जज कर लेते हैं अपने शॉट्स को, जब वो अपने एमिंग एरिया में, फाइनल एरिया में आ रखे शूट कर रहे हैं, तब तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मैंने इमेजिनरी ट्रेनिंग के बारे में बताया था, आपको डेली करना है, लाइक कि प्रैक्टिस से पहले भी और बाद में भी करो, या तो सुबह उठते भी करना है और सोते समय भी करना है आपको। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, तो क्योंकि मेंटली आपको अपने आप को भी डिज़ाइन करना है कि मुझे इतना स्कोर मारना है, तो आपका माइंड लाइक सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करने लग जाएगा उस चीज़ के लिए कि आपको भागना है या फिर आपको ये करना है।
ठीक है, तो वो चीज़ भी सेल्फ आपको मोटिवेट करती है और पुश करेंगी मेंटली, दिमाग से। तो ये करना है, और सेल्फ इमेजिनेशन तो है ही। देखिए पिस्टल में एक ख़राब बात क्या होती है कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हैं, एरिया पे डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक कैपेसिटी है वो तो डेवलप हो गई है होल्ड करने की, ठीक है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार हाँ नीचे आ गया। देखिए आपको 3 से 4 सेकंड में शॉट को रिलीज कर देना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आप टाइम लोगे या फिर 8 सेकंड तक जाते हो, मैक्सिमम 8 सेकंड, नहीं तो सबसे परफेक्ट टाइम है कि टाइमिंग से बना के लेके आए, 3 से 4 सेकंड आपने होल्ड किया, जस्ट देखा कि करेक्ट किया और फायर कर दिया, ठीक है। इतना ही टाइम सबसे बेस्ट होता है शॉट के लिए। उससे ज़्यादा करोगे तो शॉट में, मैं ये नहीं कहता कि शॉट खराब जाएगा, शॉट जाएगा बट वो टाइमिंग का शॉट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आपने देखा होगा टाइमिंग के फ्लिप्स बहुत चलते हैं, ठीक है। बॉल गेंद की गति को यूज़ किया जाता है सिर्फ, और रिस्क का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही शूटिंग भी एडवांस होती जा रही है। तो पहले कहते थे होल्ड इज़ गोल्ड, अब जो टाइमिंग शॉट है वो अच्छी बात है, उससे करो आप, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है इसमें, क्योंकि आपको अपने पिस्टल को स्लो लेके आना होता है। आप अपने पिस्टल को स्लो लेके आने की प्रैक्टिस करो, बार बार ट्राई करो उसके, ठीक है। और लॉन्ग होल्डिंग पे आपको कैंसिल करना है। राइट शोल्डर को लाइक आप अपने जब आप कर रहे हो तो शोल्डर को भी, राइट शोल्डर को भी रिलैक्स करना है, जो आपका मेन शोल्डर होता है। आप ये नहीं है कि जैसे आप खड़े होगे कि मुझे ये टाइट ही ऐसे करके स्टार्ट करूं, नहीं। एक्चुअली होता है कि हमें जब ब्रीथिंग लेते हैं, फर्स्ट ब्रीथिंग यहाँ लेते हैं, सेकंड ब्रीथिंग जब हम यहाँ लेंगे और थर्ड ब्रीथिंग में हम स्टार्ट करते हैं, ये मेरा वे है या फिर आपका कुछ भी हो सकता है। हमें आप रिलैक्स रखना है, बॉडी को स्टेबलाइज करना है, मूवमेंट ना हो, आँख को कोई मूवमेंट भी नहीं हो, आर्क ऑफ मूवमेंट या फिर कुछ भी नहीं हो, तो आपको हर पार्ट। और फिर यहाँ से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लॉकिंग पोजीशन और उसके बाद स्टार्ट करना है, ठीक है। तो रिलैक्स करने का, और राइट शोल्डर को टाइट नहीं रखना है, मतलब कि एक होता है अकड़ा सा, जैसे अब मैं उठाऊंगा, एक तो हो गया ये रिलैक्स सा, एक हो गया ये, अब मैंने इसको यहीं पे सोच रहा हूँ कि मैं यहीं से अगर टाइट पकड़ के उठाऊंगा तो ये, हालांकि ये बेसिक है बट चेक करना पड़ेगा आपको, फॉलो थ्रू में पता होगा कितना चेक होता है। लेफ्ट शोल्डर को भी लॉक, देखिए लेफ्ट शोल्डर को भी लॉक का मतलब ये नहीं है कि इसमें कि यार राइट शोल्डर हमने लॉक कर ले, लेफ्ट जो नॉन हैंड हमारा शूटिंग का हैंड होता है। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा जिनको प्लास्टर लग जाता है हाथ, उनका हाथ कैसे लटका रहता है, सामने की साइड में हाथ ऐसे लटका सा रहेगा और यहाँ पे, तो वो अपना हाथ ढीला रखते हैं, वो पट्टी पे बंधा होता है और बस रुक गया, और उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है ना ही कोई कुछ रोल। तो आपको भी जैसे अपना हाथ अगर स्टमक पे रख रहे हैं या पॉकेट में रखना है, तो आपको इमेजिन करना है कि मेरा हाथ बिल्कुल स्टेबल और लाइक कि ये रिलैक्स हो गया है, लॉक लॉकिंग मतलब लाइक कि लॉक वो वाला लॉक नहीं, मतलब एक रिलैक्सिंग में लॉक हो गया है, ठीक है, कि अब ये मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, वो रखना है। तो उसका भी आपको एक बार दिमाग में कॉइल करना कि हाँ ये बिल्कुल सही हो गया है, रिलैक्स है, और ये तो इसकी भी थोड़ी सी माइंड में, जैसे हम पैर को इमेजिन करते हैं जब हम खड़े होते हैं, तो हम अपने दोनों पैर को इमेजिन करते हैं कि यार हाँ बैलेंस फील करते हैं, जीरोइंग करते हैं उसके बाद कि हाँ ये स्टेबल है, आगे पीछे मूव नहीं हो रहा, तब ही हम स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हाथ को रखने से पहले आपको उसकी चेक करना होगा कि हाँ ये रिलैक्स है, क्या ये फिक्स हो चुका है अपनी जगह, इसमें कोई वो तो नहीं है कि हाँ मुझे और पीछे करना चाहिए या फिर बीच में रखना चाहिए, वो आपको खुद चेक करना है कि मेरा हाथ अगर बड़ा है तो मैं पूरा मतलब लाइक कि मेरे इस टांग के यहाँ, जैसे मेरा हाथ बड़ा है तो मेरा यहाँ तक हैंड आराम से आ जाता है, ठीक है। कुछ होते हैं जिनका हैंड यहाँ आता है और कुछ अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, आप अपना चेक करिए, ठीक है, जितना भी है। नेक्स्ट है टारगेट कार्ड। देखिए टारगेट पर हमें फोकस नहीं करना है, बट हालांकि क्या होता है, हमें एक बार एक कुछ मतलब लाइक कि 1 सेकंड चेक भी करना होता है। अब राइफल में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं राइफल शूटर हूँ और पिस्टल भी मैंने किया हुआ है,
तो राइफल में क्या होता है, जैसे हम ऊपर से लेके आ रहे हैं तो पहले हम बैक साइड पे फोकस कर रहे होते हैं, फिर फ्रंट साइड उसमें मिल जाती है, फिर वो टारगेट के ऊपर दोनों को अलाइन करते हैं, फिर वहाँ से हम फ्रंट्स अपनी बैक साइड्स को और फ्रंट साइड को मिलाते हुए नीचे लेके आते हैं, फिर मेनली फ्रंट साइड पे हमारा फोकस होता है, वो जैसे टारगेट पे आती है फिर हम एक बार अपनी बैक साइड और फ्रंट साइड को देखते हैं, हाँ अलाइन है, फिर हमारा ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ा सा टारगेट पे जाता है, हम उसके अंदर की एक्यूरेसी चेक करते हैं, हाँ अंदर से ठीक है, और उसके बाद हम फायर करते हैं। ठीक है, तो यही है, पिस्टल में भी यही होता है कि हमें उसमें भी यही चेक करनी होती है कि हमें अपनी जो, एक बार आपको टारगेट पे नजर कि मेरी फ्रंट साइड क्या रियल में एग्जैक्ट पोजीशन पे है, नहीं उतने, ये भी चेक करना है कि उस टाइम पे आपकी जो फ्रंट साइड है वो नीचे ना चली जाए, तो उसको भी पकड़ना है, बस एक बार कहते हैं ना जूम इन और जूम आउट, वही करना है। ठीक है, फ्रंट साइड को भी एक बार चेक करना है कि हाँ क्या सर्कल के नीचे आ गया है नहीं आया है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो सबसे अच्छा है सिटिंग पोजीशन में प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एक ही 1 सेकंड ही देखना है, ज़्यादा नहीं देखना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई है तो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर को आपको स्ट्रेट ही रखना है, उसका पुल फील करना है, ट्रिगर को चेक करिए कि आपका कहाँ आ रहा है, और ट्रिगर जैसे 90 डिग्री के एंगल, जैसे ये तो नहीं होता है, ये होता है, ये तो नहीं बनाना चाहिए, इसमें तो और इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, ये नहीं बनाना चाहिए, आप नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, बस नॉर्मल रखिए और उसमें पुल करिए और उसको फील करिए कि क्या क्या फोर्स सीधा आ रहा है। इसकी फीलिंग आपको सबसे अच्छा है जब आपको ऐसा प्रिपेयर करनी हो, तो या तो स्टैंड पे अपनी पिस्टल को रख के फील करिए, या टेबल पे बैठ के सिटिंग पोजीशन में ट्रिगर को फील करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 0 पॉइंट एंड बैलेंसिंग। देखिए, आपको अपने 0 पॉइंट और बॉडी बैलेंसिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और 0 पॉइंट आपको चेक करना है कि मेरे लाइन अलाइनमेंट नेचुरल कहाँ बन रही है, 0 पॉइंट कहाँ बैलेंसिंग है, कहाँ ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग का ये होता है कि हमारा ज़्यादा फोर्स आगे जाता है, तो आपको मेरा यही सजेशन है, देखिए अपने बैलेंसिंग पे काम करना है, क्योंकि हमारे जो पैर होता है, जैसे कि काफ मसल नीचे जो होती है, उसमें कुछ कुछ माइनर मसल्स होती है, वो हमें बिल्डअप करनी है, वहीं से स्टेबिलिटी और एंकल का जो नियर बाय एरिया होता है वहीं से आपको बैलेंसिंग का ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, पिलर्स में जैसे होता है, तो आप उनको डेवलप करिए, आप बैलेंसिंग पे काम करिए। आप सोचते हैं कि नहीं यार बैलेंसिंग से कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे तब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है कि यार बैलेंसिंग कितना ज़रूरी है, यहाँ पे मेरी टेक्निक्स ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइमिंग ठीक है शॉट का, यहाँ पे मेरा सब कुछ पार्ट ठीक है, बट बैलेंसिंग नहीं हो पा रही, बैलेंसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट आप 1 महीना देखिए, देखिए पता लग जाएगा बैलेंसिंग का कितना फ़र्क होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जब आप फायर करें तो आपकी बॉडी किस साइड मूव कर रही है, लाइक फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उसके लिए आपको सिंपल सॉल्यूशन है, चाहे राइफल शूटर है या पिस्टल शूटर है, हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालिए जिसमें आप बिना शूज़ के शूटिंग करेंगे और उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, और वहीं पे उनको लिखना है कि हाँ आप नेचुरल चेक करना है। ठीक है, और राइफल वाले भी ऐसे ही करें, एक बार बिना शूज़ के फायर करके देखें, और होल्डिंग भी बिना शूज़ के करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ इसको देखिए, शेयर कीजिए नॉलेज में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी करेक्ट करिए कहीं पे भी। ठीक है, तो अब और कोई आपके पॉइंट हो तो मुझे शेयर करना, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, एक बार ये हमारे पॉइंट दोबारा देख लेते हैं, तो ये हमारे पॉइंट थे, तो ये पार्ट 2 था, नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहे, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आपको फिर एक और वीडियो डाल दूंगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।